सबसे पहले तो मैं नोवल चैरिटेबल डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर यूसुफ अहमद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ की गरीब जनता है, जो बेचारे काफ़ी लोग परेशान हैं, जो अपने इलाज नहीं करा सकते, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनकी जो बच्चे होते हैं उनके उनके पोता पोती उनको डॉक्टर के पास ना ले जा सके और पैसे का इंतजाम ना हो, तो हमारे डॉक्टर यूसुफ अहमद जी ने अपने नोवल चैरिटेबल की तरफ से ये डिस्पेंसरी में ये जो अपना जो रखा हुआ कैंप, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा होगा, पहला हमारा जो 26 जनवरी को कैंप रखा गया था, उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोग आए, काफ़ी बुजुर्ग आए, उन लोगों ने काफ़ी दुआएं की, हमसे बोला राम कुमार भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, डॉक्टर साहब की सहयोग से आप लोगों ने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है और ऐसे कार्य आप करते रहिए। जो गरीब जनता बेचारी, कम से कम उनको ये तो राहत मिले, कम से कम आज के टाइम में भागदौड़ ज़िंदगी में इतनी बीमारियाँ चली हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको उनको दिखाने के लिए, उसके करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता। कम से कम ये अपने डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मेहनत करके अपने ये ऐसे कैंप लगाते हैं, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम डॉक्टर साहब जो हमें बोलते हैं, हम चीज़ें सहयोग करते हैं, जैसे कि हमारी ये टेंट की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था हम कर देते हैं और जगह अपने दे रखी है, जैसे दुकानें हैं, डॉक्टर साहब ने एक ही दुकान ले रखी है, उसके अलावा हम और दुकानों का इंतजाम भी करते हैं, बैठने की सुविधा करते हैं। और जैसे आपने ये देखा होगा टेंट, देखा होगा ये टेंट भी अपने सहयोग से लगा हुआ है। ज़रूरत है आज के समय इस तरीके के जो है कार्यक्रम करने की, काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी जनता बहुत परेशान है आज के टाइम में, बीमारियां इतनी हो चुके, कोई गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, कम इतनी महंगी इलाज होने लगे बहुत ज़्यादा। आप ज़्यादा मतलब हॉस्पिटल चल जाओ, हॉस्पिटल जाती है, कम से कम बड़े बड़े हॉस्पिटल हो जाए, लाखों लाखों रुपए का एक दिन का बिल बन जाता है। छोटे मोटे नर्सिंग होम चल जाओ, उसमें 20-40 हज़ार रुपये का बिल बन जाता है। बेचारा कोई डॉक्टर के पास जाता है अपनी आँखें चेक कराने के लिए, वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपये का उनका बिल बन जाता है। गरीब जनता बेचारी कहाँ जाएँ, क्योंकि महंगाई की दौर में आपने देखा होगा इतनी उनके पास इनकम सोर्स है नहीं, कमाई है नहीं, जब से कोरोना काल आया जब से और ज़्यादा मारामारी हो गई है। तो ऐसे कैंप लगने चाहिए, बार बार लगने चाहिए और मैं सभी भाइयों से सहयोग कर कहना चाहता हूँ, सभी भाई इसी प्रकार की मदद करें, लोगों की जनसेवा करें, सबसे बड़ी सेवा जनसेवा। मैं ये भी धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने लॉटरी क्लब का, जो इन्होंने इतने बड़े सहयोग से डॉक्टरों की सुविधा की है, इंतजाम किया है, जो अपने जो गरीब जनता है बेचारी जो आई आंखों की जांच करा रही है, जो चश्मे का इंतजाम किया है, हम लॉटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस तरीके के कैंप होने से कम किसको क्या प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं मुझे कुछ हुआ नहीं है तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब आते हैं चेक कराने तो पता चलता है कि कुछ शुगर का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, वो आगे जाके और बड़ा ज़्यादा हो सकता था, अभी टेस्ट हो गया पता चल गया तो अभी से वो परहेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ये है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो उससे लोग पहले उसकी उपचार कर लेंगे, और ऐसे किसी को पता नहीं चलता है, जब प्रॉब्लम तब पता चलती है शरीर की जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और तब फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, लोगों का सहयोग है, ये हमारे काली साहब जी हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहता है यहाँ पर, और प्रमेसिस भी उन्हीं के सौजन्य से उपलब्ध है। बाकी हम हैं, कुछ लोग हैं जो नोबेल कॉज तो है ही है, वही तो करता धरता है। दूसरा रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब का बहुत योगदान है, हर बार वो अपना कैंप जरूर लेके आ जाते हैं और उनके सौजन्य से लोगों को चश्मा और ये ब्लड शुगर का जो वो हो रहा है, चेक फ्री चेकअप हो रहा है। माय नेम इज़ प्रियंका सिंह, आई एम एन ऑप्टोमेटिस्ट। अभी जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं जी, क्या कमी जो है ज़्यादातर आ रही है? लोगों के ज़्यादातर नियर पावर्स आ रहे हैं क्योंकि सारे 48 से अबव हैं, जिनको हम फ्री में आई ग्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या उनको सलाह दे रहे हैं, किस तरीके से वो आंखों को बचाएं? उनको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए और ये फ़ोन वगैरह का यूज़ कम करना चाहिए क्योंकि इससे हार्मफुल रेज निकलती हैं, जिनको हम ब्लू लाइट रेज भी कहते हैं, जो हमारी आइज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 31 हम पेशेंट हम देख चुके हैं और सबका अलग अलग रीज़न है, जैसे कि जो एडल्ट नहीं है, जो 48 से अबव नहीं है, तो उनको ज़्यादातर दूर की ही दिक्कतें आ रही हैं। उसके लिए क्या दे रहे हैं आप अपने पास से, चश्मा वगैरह? हाँ, हम पास के लिए जो 48 से अबव हैं उनके लिए हम नियर ग्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस का है हम उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं जो वो बाहर से परचेज कर सके। कैसे जो है आँखों को बचा के रख सकते हैं? हमें सलाह देना चाहिए, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, हमें फ़ोन का यूज़ कम करना चाहिए, और जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें शेड्स वगैरह या फिर गॉगल्स वगैरह निकल के पहन के निकलना चाहिए, जो आंखों पे सीधे डायरेक्ट हीट का कांटेक्ट या लाइट का कांटेक्ट ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक यादव। किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, क्या जो है किस तरीके की जाँच की जा रही है?
पेशेंट बेसिकली यहाँ पर मिडिल क्लास पेशेंट आ रहे हैं जो थोड़े अनएजुकेटेड टाइप हैं, जिन ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ये कैंप अवेयरनेस के लिए लगाया गया है। बाकी डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसका पता चलता नहीं है, बट ये अंदर अंदर शरीर को खाती है। एंड बाकी यहाँ चेकअप हम लोग रैंडम ब्लड शुगर चेकअप कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर जाँच कर रहे हैं, एंड विजन चेकअप कर रहे हैं नियर एंड डिस्टेंस। और किसी को अगर कैटरेक्ट है तो उसको आगे फर्दर एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं हम लोग। एज यहाँ पर 32 to 70 के बीच में पेशेंट्स आ रहे हैं, एवरेज यही है 30 to 70। हम लोग रोटरी डायबिटीज सेंटर से, वसंत कुंज भवानी कुंज। मेरी टीम में टोटल 3 लोग हैं, मैं, नाजन प्रियंका सिंह। कैसा रिजल्ट मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला सो फार। हम लोगों ने 9:30 से कैंप स्टार्ट किया था, एंड सो फार 1.5 घंटे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, पेशेंट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अवेयरनेस के लिए कि अपना प्रॉपर चेकअप कराते रहे करें टाइम टू टाइम, एंड एक सर्टन एज के बाद लाइक 40 के बाद जितना हो सके मीठा थोड़ा कम खाइए, और हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखिए, और बेसिकली शुगर का चांस हर 3 महीने में कराते रहना चाहिए अगर आपको है वो या ना, क्योंकि वो बीमारी ऐसी है कि वो शरीर को अंदर से खाती है, बाहर से उसको कुछ पता चलता नहीं है। जैसे डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। फर्स्ट एज का इफेक्ट किडनी में शोज होता है, जिसके से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उसका असर आँखों पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन आता है, उसका दिल पे पड़ता है, जिसके से कार्डियक इश्यूज होते हैं, देन करते करते ऑर्गन टू ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ता जाता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि इंसान के ऑर्गन फेल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर उसने फिर भी इलाज नहीं कराया तो डायबिटिक कोमा में चला जाता है। अभी हम देख रहे हैं बच्चों में भी जो है डायबिटिक की प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसको किस तरीके से बचाएं? देखिए, जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, क्योंकि जो बेसिकली बड़े में होता है टाइप 2, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये तो बाई बर्थ ही होता है, एंड डायबिटीज़ का सो फार कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। बस इसको कंट्रोल करा जा सकता है बाई इंसुलिन, मेडिकेशन, डाइट, ऐसा कोई प्रॉपर क्योर नहीं है। अशोक कुमार, मैं हीमोग्लोबिन का है, अभी हो गए हैं 35-36 के करीब हैं सर। कोड प्रिंट आउट आएगा कल, हमारा लैब है अपना कृष्णा लैब। टेस्ट कराते हैं तो कितने चार्ज? नॉर्मल 300 रुपये में होता है उसमें। और अगर पूरा जांच कराएंगे? पूरा वो जैसे डॉक्टर एडवाइज करेगा वैसे होता है। तो भी कितना खर्च आ जाता है अगर जांच कराएंगे? वैसे नॉर्मली 300 रुपये का तो है ही है, टाइफाइड मलेरिया CBC है सब कुछ उसमें। नाम मेरा संतराम है जी। तो क्या जांच कराई है आपने और कितना फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है मुझे, मैं दवा ले रहा हूँ, वो आँखों का चश्मा बनाया है मेरा, आँखों में दिक्कत होती थी, वो चश्मा बना कर दिया है मुझे, मैं लगा कर दिखाता हूँ, ये पास का मेरा चश्मा है, चश्मा बना कर के दिया है, और मैं खून की जांच कराने जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, इस तरीके के जो कैंपों का आयोजन किया जाता है, लोग इसका किस तरीके से फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा लोग आएँ और इसमें बहुत फ़ायदा होता है, सब प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाती है। ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कैसे वो इसका लाभ उठा सकते हैं? आएंगे जब ही तो लाभ उठाएंगे, जब यहाँ पे आएंगे कैंप में तभी तो फ़ायदा होगा। क्या कितनी उम्र है आपकी? भैया उम्र तो मेरी खूब है, 70-65 साल की। अब मोबाइल नंबर पर बैठा दो है। क्या कराने आई है? आँखें दिखाऊँगी, आँखें तो मोदी घटना है। क्या परेशानी है? आँखें में बेटा धुआं से फेंकते है, बीपी हाई है बहुत मेरे, 150 से ऊपर है। रिहाना खातून। आप क्या करा रहे हैं? मैं ब्लड टेस्ट कराने आई और बस, और आँखों का टेस्ट। कैसे पता चला था इसका कैंप था कि यहाँ पे जांच बताए? पापा बताए थे। गीता, क्या जो है चेकअप कराया आपने, क्या टेस्ट कराया, क्या बताया? मैंने चेक कराया बीपी, शुगर और आँखों। अच्छा, अगर ये आप बाहर कराते हैं तो इसमें कितने पैसे वैसे कितने लगते हैं? अगर बाहर कराते हैं? बाहर कराते हैं तो इसमें पैसा लगता है, कम से कम 700-800 रुपये लग जाता है। उनको तो बहुत फ़ायदा मिलता है जो गरीब हैं, ले नहीं पाते डॉक्टर से दवाई, क्योंकि जाओ डॉक्टर की दुकान पर जाओ तो कम से कम 500 रुपये का बिल बना देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो अस्पतालों में जाते हो, अस्पतालों में क्या परेशानियाँ होती हैं? अस्पतालों में जाने का एक तो सबसे गरीब आदमी को टाइम नहीं होता, वहाँ जाके भी लाइन लगानी होती है, हैं वहाँ पे भी लाइन लगानी होती है, फिर वहाँ पे भी भीड़ भाड़ बहुत होती है, आदमी कमाएगा या लाइन लगाएगा।